हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और स्वागत है आप सबका मूवी टॉकीज में। आज अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि इनकी मच अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर आउट हो गया है। अक्षय कुमार पिछले 30 सालों से बॉलीवुड के एक्शन खिलाड़ी जाने जाते हैं और टाइगर श्रॉफ को मॉडर्न बॉलीवुड का सबसे दमदार एक्शन स्टार माना जाता है। इन दोनों का किसी फिल्म में साथ आना एक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन फैन के लिए सपने से कम नहीं है और आज ही उनका ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। अब ऐसे में इनके ट्रेलर क्या जबरदस्त है। ट्रेलर में एक्शन हर एक सेकेंड में जान डालता है। प्लेन के सीक्वेंस और ऊपर से दोनों स्टार्स की एक्शन मूवी के लिए और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत एक्शन से शुरू होती है और फिर अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट भी होती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी है जो कि फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड करती है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक चेहरे पर मास्क लगाए हुआ इंसान सामने प्लेन से उतरता है जो विलन का किरदार निभा रहा है। अब इनके किरदार को रिवील नहीं किया गया है। यहाँ सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर एक आईटी स्पेशलिस्ट और अलाया एफ एक हैकर भी दिखाई दिए, लेकिन वो काफी कम समय के लिए नजर आए। उम्मीद करते हैं कि मूवी में उनका किरदार ज्यादा हो। अब इनके बाद दोनों बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की एंट्री होती है गाइज, और वो अक्षय टाइगर के बीच बैंटर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सुल्तान और टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ये एक्शन मूवी को डायरेक्ट किया है। ट्रेलर की शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन आखिर में दोनों एक दूसरे से एक डायलॉग कहते भी नजर आते हैं। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। अब इनकी ये तकरार और इनके बीच का जो ट्विस्ट है वो तो मूवी में ही रिवील होगा, जिसके लिए आपको 10 अप्रैल को बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखनी होगी। और अगर आप सबने ये ट्रेलर देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सबको बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैसी लगी। और बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह के तमाम रिव्यूज और खबरों के लिए हमारे चैनल मूवी टॉकीज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।